आपको बता दें कि मऊ रानीपुर पुलिस के द्वारा 19 वाहन बरामद किए गए हैं, जिसमें 3 आरोपी भी पकड़े गए हैं। उनसे पूछताछ करी गई तो उन्होंने बताया कि वो दिल्ली, राजस्थान, MP इत्यादि से वाहन चोरी कर कर यहाँ पर फर्जी कागजात बनाकर बेचते हैं। जो मुख्य सरगना है वो दिल्ली में चौकीदारी का काम करता है, उसके द्वारा ही वाहन मुख्यतः चोरी किए जाते हैं, जिसमें से 1 i10 और 18 टू व्हीलर पुलिस ने बरामद किए हैं। शेष जो आरोपी हैं अभी वो फरार हैं, उन्हें शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। साथ साथ कुछ अन्य वाहन भी हैं जिन्हें बरामद किया जाएगा। सर, चोरी करके कहाँ बेचते थे ये? अंतर्राज्यीय गिरोह है जो यूपी के साथ साथ राजस्थान, MP और दिल्ली में वाहन लाते थे और ले भी जाते थे। कुछ वाहन यहाँ से वहाँ बेच देते थे, कुछ वहाँ के वाहन यहाँ ला के बेचते। ये काफ़ी लंबे समय से गिरोह सक्रिय था, लेकिन शीघ्र ही पुलिस को जैसे ही इसका पता लगा घटना का नाम। जी हाँ, ये कागज़ बनवाते थे, फर्जी कागजात भी इसमें बनवाते थे, तो इनके खिलाफ 419-20 का मुकदमा इसमें लिखा गया। देखिए, जैसी गाड़ी होती थी उसके अनुसार इसकी कीमत निर्धारित होती थी। कई बार ये डिमांड पर भी गाड़ी चोरी कर लेते थे। जैसे i10 के विषय में बताया जाता है कि किसी ने i10 खरीदने की बात करी, तो इन्होंने दिल्ली से i10 चोरी कर कर डिमांड पर सप्लाई करी। जी, कई तथ्य थे जिनके आधार पर पुलिस ने इनको पकड़ा। सर, ये जो फर्जी कागज बनाते हैं, ये इनको पकड़ने